वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सभी बच्चे अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठेंगे, ताकि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में लिख सको, ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक की पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है चलो चलें स्कूल। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? चलो चलें स्कूल। अब जैसे कि चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में स्कूल से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आपको ये बताया जाएगा कि हमारे देश के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पक्के रोड और पक्के पुल नहीं हैं। तो वहाँ पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कच्चे पुलों का, कच्ची सड़कों का इस्तेमाल करते हुए स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, यही सभी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो देखो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कि ये बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखो, बांस से बना हुआ पुल आपको दिख रहा होगा। ये बच्चे हाथ में कॉपी किताबें बस्ता उठाकर बांस से बने हुए इस पुल को पार कर रहे हैं। और ये क्या है, एक कच्चा पुल है जिस पर चलना भी बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, मगर इसके बावजूद भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं, स्कूल ज़रूर जाते हैं चाहे कितनी भी बारिश हो। एक हाथ में हमारे किताबें होती हैं और दूसरे हाथ से हमने पुल को पकड़ा होता है और जल्दी जल्दी पुल को पार करते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि बांस के बने हुए पुल पर से बच्चे स्कूल की वर्दी पहनकर, ड्रेस पहनकर, कॉपी किताबें हाथ में लेकर पार करते हुए स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, इन बच्चों के लिए पुल पर इस तरीके से चलना कितना कठिन होता होगा। देखो कितना पतला सा पुल है, यहाँ पर ये मुश्किल से ही खड़े होने के लायक जगह है, मगर इसके बावजूद भी ये बच्चे इस कच्चे पुल को पार कर स्कूल जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन है, पहली एक्टिविटी है कि कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जिस तरीके से आपको चित्र में दिख रहा है कि एक के बाद एक आड़ी, मतलब एक के बाद एक इस तरीके से गैप बना बनाकर ईंटों को रखा गया है और फिर कहा गया है कि इस पर आपको चलना है। तो चलने पर आपको कैसा लगा ये भी बताना है। तो आप क्या लिखोगे कि आपको चलना आसान लगा या मुश्किल लगा? तो आंसर में लिखोगे कि थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि ईंटों पर आगे पीछे वो रखी हुई हैं तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने के अंदर थोड़ी सी तो कठिनाई आई होगी, इसलिए लिखेंगे कि जल्दी जल्दी चलना थोड़ा कठिन लगा। अब अगला क्वेश्चन है, अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ और उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं, कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। समझ में आया? क्या कहा गया है कि अपनी टीचर की मदद से आपको बांस का एक पुल बनाना है और इस पुल पर चलकर आपको कैसा लगा? तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि शुरुआत में मुझे चलने में परेशानी हुई, परंतु धीरे धीरे आसान लगने लगा। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर क्या लिखोगे कि शुरुआत में मुझे चलने में परेशानी हुई, परंतु धीरे धीरे चलना आसान लगने लगा बांस के बने हुए पुल पर। अब तीसरा प्रश्न है कि जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या फिर नंगे पैर, और क्यों? समझ में आया? क्या बोला गया है कि जो लकड़ी का बांस का बना हुआ पुल आपने अपनी टीचर की मदद से बनाया था, इस पर नंगे पैर चलना आसान होगा या चप्पल पहनकर चलना आसान होगा? तो आप लिखोगे कि पुल पर नंगे पैर चलना ज़्यादा आसान होगा, पंजों की मदद से पुल पर ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर तीनों ही क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में याद से लिख लेना। यहाँ पर मैं हैंड टू हैंड आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा रही हूँ। अब देखो बच्चों, आगे है कि कुछ बच्चे किस तरीके से पहाड़ी इलाकों के अंदर नदी को पार करने के लिए इस तरीके की ट्रॉली का बनी हुई ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं।
और इस ट्रॉली के अंदर बैठकर एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। आपने ऐसी ट्रॉली देखी होंगी, कुछ बच्चे तो बैठे भी होंगे ऐसी ट्रॉली में। तो यहाँ पर लिखा है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है और ये नदी खूब चौड़ी और बहुत गहरी नदी है। तो नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी भी होती है और ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से, पुली क्या होती है देखो बच्चों, ये पुली होती है, देखो यहाँ पर गोल गोल सा ये हिस्सा लगा हुआ है, जैसे कि जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो इस तरीके का गोल गोल हिस्सा लगा होता है, इससे रस्सी आगे पीछे आसानी से हो जाती है, तो इसे पुली कहते हैं। तो पुली की मदद से इस रस्सी पर ये जो ट्रॉली है आगे पीछे जाती है, सरकती है। हम चार पांच बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। समझ में आया कि कुछ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? ट्रॉली की सहायता से स्कूल जाते हैं क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी होती है और उसे पार करने के लिए इस ट्रॉली के अंदर बैठकर उन्हें एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है। अब है चित्र एक और दो को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी को खींच रहे हैं। देखो चित्र एक के अंदर एक बच्चा अपने हाथों से बाल्टी को खींच रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो पानी जो बाल्टी से निकाल रहा है इस पुली की सहायता से निकाल रहा है। तो इन दोनों ही चित्रों के अंदर आप अंतर बता सकते हो और ये भी बताना है कि कौन से तरीके से कुएं में से पानी को निकालना आसान होगा, पुली यानी कि घिरनी के साथ या बिना पुली के। तो देखो उत्तर लिखोगे कि चित्र एक में लड़का सीधे हाथों से पानी खींच रहा है, जबकि चित्र दो में लड़का पुली की मदद से पानी खींच रहा है। तो आप लिखोगे कि पुली की मदद से पानी खींचना आसान है क्योंकि पुली से रस्सी को आसानी से जल्दी जल्दी खींचा जा सकता है और हाथों से तो ऐसा जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन के इस आंसर को अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख लेना। अब अगला प्रश्न है कि अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो उसकी सूची बनाओ। तो पुली का प्रयोग आप अपने आसपास कहाँ कहाँ और किन चीज़ों के अंदर देखते हो? तो लिखोगे कि हम पुली का प्रयोग भारी सामान को उठाने के लिए, झंडे को फहराने के लिए। स्कूल में आपने देखा होगा कि ऊपर डंडे पर भी जब हम झंडे को खोलते हैं तो वहाँ पर भी पुली लगी हुई होती है, उसके अंदर से धागा खींचते हैं तो झंडे की रस्सी खुल जाती है। तो लिखोगे झंडा फहराने के लिए, निर्माण कार्य के अंदर भारी चीज़ों को उठाने के लिए आदि के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर एक बच्चा पुली की सहायता से ईंट को उठा रहा है। देखो यहाँ पर पुली लगी है और पुली के अंदर रस्सी डली हुई है तो आसानी से ईंट को ये उठा पा रहा है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर आप यहाँ, सॉरी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस जगह पर लिख दोगे। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम भी चरखे या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान को उठाने की कोशिश करो। तो आप खुद बना सकते हैं पुली, खाली धागे की रील के अंदर धागा लपेट देंगे और उसके अंदर एक डंडी डाल देंगे जिस तरीके से कुएं के अंदर है, तो फिर रील के ऊपर आसानी से धागा ऊपर नीचे हो सकेगा तो आप आसानी से सामानों को उठा सकेंगे। आप इस एक्टिविटी को खुद कर देख सकते हैं। अब देखो बच्चों इस पिक्चर के अंदर सीमेंट और लोहे का पक्का बना हुआ पुल है। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट का, ईंटों का और लोहे और सरिये से बना होता है क्योंकि ये पक्का पुल बना हुआ है। देखो इस पुल के ऊपर आना जाना कितना आसान है क्योंकि इस पर चलना फिरना भी आसान है क्योंकि ये पक्का बना होता है और अपनी जगह स्थिर रहता है, जबकि जो बांस का पुल होता है वो अपनी जगह इतना स्थिर नहीं होता है, उस पर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो बच्चों अब हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये पुल बांस के बुने पुल से किस तरीके से अलग है? तो आप लिखोगे कि सीमेंट तथा लोहे का पुल अधिक मजबूत तथा स्थायी होता है क्योंकि ये पक्का बना होता है, जबकि बांस से बना पुल कमज़ोर होता है। समझ में आ गया कि पुल बांस से बने पुल से किस तरीके से अलग है? तो ये पुल ज़्यादा मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है और अधिक स्थायी होता है, जबकि बांस से बना पुल कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन है,
अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। तो इस पुल को एक बार में 15 से 20 लोग पार कर सकते हैं, यानी कि जितने लोग पुल पर आ जाएं उतने ही लोग पार कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का बना हुआ पुल होता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाओ। आगे है, तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ बच्चे बांस के बने हुए पुल पर से स्कूल जाते हैं पार करके, कुछ बच्चे ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पक्के बने हुए पुल को पार करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब अगला प्रश्न है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे? बांस से बने हुए पुल पर से जाना चाहोगे स्कूल पढ़ने के लिए, या पक्के बने हुए पुल से जाना चाहोगे? तो यहाँ पर लिखोगे कि मैं सीमेंट के पुल से जाना चाहूँगी, क्योंकि इस पर चलना आसान तथा सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वो पुल कैसा दिखाई देता है? उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आप पुल का चित्र बना देंगे और लिख देंगे कि हाँ, मैं पक्के सीमेंट के बने हुए पुल को पार करके स्कूल जाती हूँ। क्या लिखोगे आंसर? हाँ, मैं पक्के पुल को पार करके स्कूल जाती हूँ। और इस तरीके से पुल की पिक्चर को भी बना देना बिल्कुल इजी सी है। अगला है, अपने दादा दादी से पता करो कि अपने बचपन के समय में उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। तो आप आंसर लिखोगे कि उनके समय में पुल तो सीमेंट के बने होते थे, या कुछ पुल तो सीमेंट के बने होते थे तथा कुछ पुल बांस तथा रस्सी के भी बने होते थे, यानी कि उनके टाइम पर दोनों ही तरीके के पुल होते थे। कुछ जगहों पर पक्के पुल होते थे जो कि सीमेंट से बने होते थे, और कुछ जगहों पर बांस तथा रस्सी के बने हुए भी पुल होते थे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे है, अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। जैसे कि पहला है, वे कहाँ बना है? पानी पर बना है, सड़क पर बना है, या पहाड़ों के बीच बना है, या कहीं और बना है? क्या कहा गया है कि देखो बच्चों, जो आपके आसपास आपके एरिया में कोई पुल हो या फिर कोई पुलिया हो, छोटा पुल हो, उसे देखो। तो सबसे पहला सवाल है कि ये बताओ कि ये पुल कौन सी जगह पर बना है, पानी पर, सड़क पर, या पहाड़ों के बीच में? तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारे आसपास पुल है वह पुल पानी पर बना है। अगला प्रश्न है, पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियां भी उस पुल पर से होकर जाती हैं? तो आप लिखोगे कि पुल का प्रयोग लोग, जानवर तथा गाड़ियां सभी करते हैं। ठीक, क्या लिखोगे कि पुल का प्रयोग लोग, जानवर तथा गाड़ियां सभी करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ये पुल पुराना सा लगता है या देखने में नया लगता है? तो आप लिखोगे कि ये पुल देखने में पुराना सा लगता है। अगला प्रश्न है, पता करो कि ये पुल किन किन चीज़ों से बना है, और इन चीज़ों की सूची बनानी है आपको। तो आप लिखना कि ये पुल सीमेंट, लोहे की छड़, रेत, ईंट और कंक्रीट से बना है। क्या लिखोगे कि ये पुल सीमेंट, लोहे की छड़, रेत, ईंट और कंक्रीट से, यानी कि रोड़ी, बजरी वगैरह से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोगों को दिखाना मत भूलना। तो बच्चों इस पुल का जो चित्र है आप अपने आप अपनी कॉपी के अंदर बना लेंगे पुल का चित्र, जैसा कि मैंने अभी पीछे बना हुआ दिखाया था। उसके ऊपर आप एक दो गाड़ियाँ या जानवर दिखा सकते हो। अगला प्रश्न है कि सोचो, अगर ये पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती? कुछ अन्य तरीके देखें जिन खाली ये प्रश्न यही तक है कि सोचो अगर ये पुल नहीं होता तो लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती। तो आप लिखोगे कि अगर वह पुल नहीं होता तो नदी को पार करने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता, जिससे अधिक समय लगता हर काम को पूरा करने के लिए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिख देना। आगे है,
कुछ अन्य तरीके जिनसे स्कूल पहुंचते हैं। देखो अब कुछ बच्चे हैं, ये कौन सी जगह है? केरल है। केरल हमारे ही देश का एक स्टेट है, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली हिंदुस्तान का एक स्टेट है, एक राज्य है। इसी तरीके से केरल भी हिंदुस्तान का एक राज्य है। तो देखो यहाँ के बच्चे नाव में बैठकर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि इनके पास पुल की सहूलियत नहीं है, इसलिए इनको नाव में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। तो लिखोगे कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिसे वल्लम कहते हैं, इसमें बैठकर स्कूल जाते हैं रोज़ाना स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास पक्के पुल की सहूलियत नहीं है। इसी वजह से इन्हें नदी को पार करके स्कूल पढ़ने के लिए नाव में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है कि क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है, जैसा कि अभी पिक्चर में दिखाया था, इसके अलावा आपने किसी तरह की नाव देखी है? तो आप लिखोगे कि हाँ, मैंने बड़ी बड़ी नावें देखी हैं जिनमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या तुमने किसी पानी पार करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो पानी को किस तरीके से पार किया जा सकता है? नाव से, जहाज से, स्टीमर से आदि से पार कर सकते हैं, अगर पुल ना बना हो तो। समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पानी को पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? नाव में बैठकर हम एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, जहाज में भी, स्टीमर में भी बैठकर एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या तुम भी कभी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ बैठे हो? और उस पर बैठने के लिए खुद चढ़े थे या किसी ने आपको चढ़ाया था? जैसे कि यहाँ पर आपको ऊंट गाड़ी दिख रही है, ये देखो ऊंट है, ऊंट के पीछे इस तरीके से दो पहियों वाली गाड़ी है और इस पर बच्चे बैठे हुए हैं। और ये हिंदुस्तान की कौन सी जगह है? राजस्थान है। राजस्थान में सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये एक रेतीला इलाका है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, तो सारा ही यहाँ का इलाका ज़्यादातर रेतीला होता है राजस्थान का। तो यहाँ पर लिखा है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में चारों तरफ बच्चों रेत ही रेत होता है। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रोज रेत खूब तपती है, यानी कि खूब गर्म होती है, तब हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। समझ में आया? तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे कि हाँ, मैं तांगे पर बैठी हूँ, जब मैं जयपुर गई थी तब तांगे वाले ने बैठने में मेरी मदद की थी, क्योंकि तांगा अच्छा खासा ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है कि तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर, यानी कि तांगे में बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ कि कैसा फील हुआ आपको। तो चलते समय तांगा काफ़ी हिलडुल रहा था, परंतु मुझे बहुत आनंद, बहुत मज़ा आया। अब है बच्चों बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी आपने देखी ज़रूर होगी कि बैलगाड़ी में कभी कभी एक बैल बंधा होता है, कभी कभी दो बैल भी बंधे होते हैं, और इसके पीछे भी एक दो पहियों वाली गाड़ी सी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियों को खोल लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे अब बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका स्कूल उनके घर से दूर होगा, तो चलने में इनको थकावट होती होगी, तो इसी वजह से ये बैलगाड़ी पर बैठ के स्कूल जाते होंगे ताकि जल्दी से स्कूल पहुँच सके। अब अगला प्रश्न है कि क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? तो आप लिखोगे हाँ। क्या उनमें छत होती है? तो आप लिखोगे कि उसमें छत नहीं होती है। उसके पहिए कैसे होते हैं? तो उसके पहिए बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों वाले टायर लगे होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पहिए होते हैं, जैसे कि पीछे चित्र में आपने देखा होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर और दिख रही है कि कुछ बच्चे साइकिल पर बैठकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं ताकि जल्दी स्कूल पहुँच सके। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली एक साथ मिलकर मुश्किल रास्तों को पार करती हुई साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती है। समझ में आया बच्चों कि कुछ बच्चे साइकिल पर बैठकर भी स्कूल जाते हैं ताकि वो पढ़ लिख सके। तो इसके लिए पहले के ज़माने में
जब स्कूल दूर हुआ करते थे तो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, उनको उनके घर वाले पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, मगर अब कुछ लड़कियां उनको सरकार की तरफ से साइकिलें दे दी गई हैं स्कूल पहुंचने के लिए, तो कुछ बच्ची बच्चियां 7-8 बच्चों का ग्रुप बनाकर आसानी से स्कूल पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, तो आप लिखोगे कि हमारे स्कूल में 10 से 15 बच्चे साइकिल से आते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है, और अगर आती है तो आपने साइकिल को चलाना किससे सीखा, तो आंसर लिखोगे कि हाँ मुझे साइकिल चलानी आती है, मैंने साइकिल चलानी अपने बड़े भाई से सीखी है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी लिख लेना अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे जुगाड़ में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। देखो जुगाड़ क्या होता है, आगे देखो इसके मोटरसाइकिल का सा हिस्सा लगा होता है और पीछे एक बड़ा सा ठेला जुड़ा होता है जिसके अंदर भारी सामान लोग वगैरह बैठकर आसानी से आ जा सकते हैं। तो जुगाड़ में भी बैठकर कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों यूपी के अंदर जुगाड़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ये है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ये फटफट करते हुए चलती है ना शानदार। आगे से तो देखो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, बड़ा सा ठेला इससे जुड़ा होता है जिसमें भारी सामान और लोग आसानी से बैठ सकते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरह की गाड़ी होती है, तो हमारे इलाके में तो इस तरह की गाड़ी नहीं होती है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसे जुगाड़ का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, दिल्ली में तो ऐसा जुगाड़ नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं, तो हमारे यहाँ इसे मोटर रिक्शा कहेंगे। तुम ऐसी गाड़ी पर बैठना पसंद करोगे और क्यों, तो आंसर लिखोगे कि हाँ इसकी सवारी में आनंद आएगा। क्या लिखोगे कि हाँ मुझे ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद आएगा और इसकी गाड़ी में मुझे आनंद यानी कि मज़ा आएगा। अगला प्रश्न है क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं, तो आंसर लिखोगे कि इसे जुगाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मोटरसाइकिल की मदद से ऐसी गाड़ी बनाई जाती है जिसमें 10 से 12 लोग तथा भारी सामान ले जाया जा सके। अब अगला है जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है, तुम भी कुछ चीज़ों से जुगाड़ करके कोई नई चीज़ बनाओ। तो जैसे कि मैंने पुरानी चूड़ियों से पेन होल्डर बनाया था, आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि जूतों के डिब्बों से बुक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, जूतों के डब्बों के ढक्कन से सामान रखने का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, कुछ भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आगे है सोचो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी ना पहुँच सकती हो, तो आप लिखोगे कि हाँ ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंगल का घना हुआ एरिया, पहाड़ों का घिरा हुआ एरिया, क्योंकि पहाड़ों पर तो सिर्फ पैदल ही चढ़ाई की जा सकती है, इसलिए ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनमें से कोई गाड़ी नहीं पहुँच सकती हो। अब है देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत घना सा जंगल है और यहाँ पर बच्चे पैदल चलकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर तो बच्चों कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है, तो जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए हमें जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में बिल्कुल घना घना जंगल दिख रहा है। तो कुछ बच्चे स्कूल जाने वाले ऐसे भी हैं जिन्हें इन घने घने जंगलों को पार करके स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है इसका, क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो और कहाँ, तो जवाब लिखोगे कि हाँ मैं ऐसे घने जंगल से गुजरी हूँ जब मैं मामा के घर टांडा गई थी। अगला प्रश्न है कि अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो, यानी कि उस जंगल से गुजरने पर आपको कैसा महसूस हुआ था, तो आंसर होगा कि जंगल में बड़े बड़े लंबे चौड़े पेड़ थे, कहीं कहीं घनी झाड़ियाँ भी थी, पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही थी और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड आंसर आप इस जगह लिख देंगे। अगला है
क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ें तुम खुद भी निकाल सकते हो? जैसे कि हम लिखेंगे कि हाँ, हम कौवे की, तोते की, कोयल की आदि की आवाज़ों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हैं। जैसे कि जब कौवा बोलेगा तो साफ साफ काऊं काऊं की आवाज़ आएगी कि कौवा बोल रहा है। इसी तरीके से तोते, मोर, कोयल आदि को हम उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी अपनी कॉपी में ध्यान से लिख देना। अब देखो, कुछ बच्चे किस तरीके से स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और इन्हें भी पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि इस बर्फ़ पर भी चलने के लिए ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं होती है, जैसे कि मोटर गाड़ी वगैरह नहीं होती है, जिससे ये आसानी से स्कूल पहुंच सके। तो यहाँ पर लिखा है कि बर्फ़ पर चलते हैं बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों पहली बर्फ़ पर चलकर, यानी कि चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो उसके ऊपर से फिसल भी सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ जमने के बाद आपने देखा होगा बच्चों, स्लिपरी, चिकनी चिकनी सी हो जाती है। तो इसका पहला प्रश्न है कि क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ देखी है? फिल्मों में देखी है या फिर कहीं और देखी है? तो आप लिखोगे कि हाँ, मैंने इतनी बर्फ़ मनाली में देखी है। अगला प्रश्न है कि क्या ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है और क्यों? तो देखो, हाँ, ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, क्योंकि ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं, तो ठंड की वजह से ऐसी जगहों पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अगला है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, और इन पथरीले रास्तों को स्कूल के बच्चे पार करते हुए स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। और ये हिंदुस्तान का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ होते हैं, तो यहाँ पर दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये बच्चे, हमें इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की इतनी हैबिट हो गई है कि हम आसानी से इन पर चलकर भागते हुए स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो अब इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। क्या स्कूल पहुँचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तो आप लिखोगे नहीं, स्कूल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। अगला प्रश्न है कि तुमको किस महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो आप लिखोगे कि सितंबर के महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस महीने में ना अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी होती है, यानी कि गुलाबी मौसम होता है। तो बच्चों, हैंड टू हैंड ये दोनों ही क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। अगला है, तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सभी बच्चे इकट्ठे हो जाओ, किसी स्कूल के मैदान में। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम किस तरीके से चलोगे, कर कर बताओ। यानी कि बच्चों, एक्टिविटी है कि अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखड़ी जैसी हो, तो गुलाब की पंखड़ी जैसी अगर ज़मीन हो, मुलायम मुलायम, तो हम बिल्कुल आराम से चल लेंगे उसके ऊपर। अगर ज़मीन पर कांटे भरे मैदान हो, तो तब तो चलना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि कांटे हमारे पैरों में चुभ सकते हैं, है ना। और अगर ज़मीन ठंडी बर्फ़ से ढकी हुई हो, तो इसकी भी एक्टिंग कर कर दिखानी है कि बर्फ़ के अंदर किस तरीके से हम डगमगा कर चलेंगे, हमारे पैर बर्फ़ के अंदर धंस जाएंगे। तो इस एक्टिविटी को सभी बच्चे अपने स्कूल में ज़रूर कर कर देखेंगे। अब बच्चों, इस चैप्टर का है सबसे आखिरी पेज, पेज नंबर 10 है, बच्चों की कलम से। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे पड़ेंगे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे पड़ेंगे, नाखून दांत ड्रेस अगर साफ सुथरे ना हो तो 30 बार उठक बैठक, यानी कि दंड बैठक करनी पड़ेगी, अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल खड़ा रहना पड़ेगा,
अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि क्या आपके स्कूल में भी ऐसी सज़ाएं दी जाती हैं? तो आप लिखोगे कि हाँ, हमारे स्कूल में भी ऐसी सज़ा मिलती है। गृह कार्य ना करने पर कक्षा से बाहर कान पकड़कर या हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता है। स्कूल में देर से आने पर भी हमें सज़ा मिलती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना कि आपके स्कूल के अंदर भी आपको ऐसी सज़ा मिलती है। पहले प्रश्न का उत्तर है ये, इस वाले का, क्या तुम्हारे स्कूल में भी ऐसी सज़ा मिलती है और किस किस तरह की सज़ाएँ मिलती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने पढ़कर बताया कि हमारे स्कूल में भी ऐसी सज़ाएँ मिलती हैं। गृह कार्य यानी कि होमवर्क ना करने पर कक्षा के बाहर कान पकड़कर या हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता है। स्कूल में देर से आने पर भी हमें सज़ा मिलती है। प्रश्न 2 है, क्या तुम सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? तो हाँ, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी भविष्य में इन गलतियों को ना दोहराए, उन्हें पता चल सके कि जो काम वो कर रहे हैं इसमें नुकसान है और इस वजह से हमको सज़ा मिली थी। तीसरा प्रश्न है, यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे? यानी कि अगर तुम्हें स्कूल में कोई सज़ा मिले तो ये बात तुम किसे बताओगे? तो आप क्या लिखोगे कि हम ये बात अपने माता पिता को बताएंगे। यहाँ पर लिख दिया है मैंने शॉर्ट में। अगला है, कैसे शिकायत दर्ज करोगे? यानी कि अगर आपको कोई शिकायत करनी है, स्कूल की सज़ा में आपको ज़्यादा मारा पीटा जाता है, तो उसकी शिकायत आप किस तरीके से दर्ज करोगे? या तो मुँह से बोलकर बताओगे, या फिर लिखकर बताओगे और प्रिंसिपल को दे दोगे, या अपने माता पिता को उससे बोलोगे कि वो आपकी तरफ से प्रिंसिपल को दे दें। तो आप लिखोगे कि मौखिक या लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाएंगे। क्या लिखोगे? मौखिक या लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिसमें बिना सज़ा के भी स्कूल के अंदर सुधार हो सके। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, ज़रूरी नहीं कि सभी को सज़ा दी जाए, इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है बिना सज़ा के भी बच्चों में सुधार लाया जा सके। तो आप लिखोगे कि गलतियों के बार बार दोहराए जाने पर सज़ा देना आवश्यक है यानी कि ज़रूरी है। स्कूल में ऐसे नियम जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो इस प्रकार है। पहला, अपना गृह कार्य सदैव पूरा करने पर पुरस्कार दिया जाए, यानी कि जो बच्चे होमवर्क कर लेकर आते हैं उनको इनाम दिया जाए। तो जिस वजह से सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क इनाम की वजह से पूरा कर लेकर आए। इसके अलावा अच्छे आचरण यानी कि जिन बच्चों का स्कूल में बिहेव अच्छा है, ऐसे विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाए यानी कि उनको भी इनाम दिया जाए। तो बच्चों, ये पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बता दिया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।